हे एवरीवन, मैं हूं आभा और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं शेयर करती हूं मेरे वीडियोस एवरी मंडे फ्राइडे एंड अ बोनस वीडियो ऑन वेंसडे एट 2 PM। सो आज का ये वीडियो होने वाला है एक अमेजोन हॉल, और मैं आपको इसमें दिखाने वाली हूं कि मैंने amazon.in से कौन कौन से ब्लाउजेस परचेज किए हैं। यस, टाइटल आपने पढ़ लिया है। सो आपको पता है कि ये जो वीडियो है एक अमेजोन ब्लाउज हॉल है। सो बेसिकली मैंने amazon.in से परचेज करे हैं 4 ब्लाउजेस, क्योंकि अभी फेस्टिवल्स आने वाले हैं, दिवाली वगैरह, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए मैंने ये 4 ब्लाउजेस परचेज करे हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इन सारे ब्लाउजेस का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कि क्या ये ब्लाउजेस जो हैं वो कैसे, इनकी क्वालिटी कैसी है, वर्थ बाय है या नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। Subscribe to my YouTube channel to watch all the latest videos and make sure you have click on the bell icon so that you will never miss any update. इसके पहले भी मैंने आपसे एक ब्लाउज हॉल शेयर किया था ना, जिसमें मैंने आपको 3 ब्लाउजेस दिखाया था। तो मैंने उसके बाद, क्योंकि वो ब्लाउजेस काफी अच्छे निकले, उसके बाद मैंने 4 ब्लाउजेस और परचेज करे हैं जो भी आपको वो दिखाने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ब्लाउज से। सो मेरा फर्स्ट ब्लाउज है ये वाला, दिस वन इज फ्रॉम द ब्रांड स्टूडियो श्रृंगार से है ये ब्लाउज, और आप देख सकते हैं कितना ज्यादा प्रिटी है, कितना शाइनी एंड कंफर्टेबल सा इसका मटेरियल आपको दिख रहा है। ऐसा बहुत चमचम वाला गोल्ड नहीं, बहुत सॉफ्ट सा गोल्ड है ये, तो ये वैसा वाला मटेरियल है। एंड इस पर कुछ वर्क भी किया हुआ है, ये इस पर वीविंग भी की हुई है इस ब्लाउज के कपड़े पे। काफ़ी अच्छा रिच मटेरियल इसमें यूज़ किया गया है। ऑल्सो इस ब्रांड का जो ब्लाउजेस है वो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा अच्छे आते हैं, उसका जो इनर वगैरह भी उसमें अस्तर यूज़ किया जाता है ना, वो भी बहुत फाइन क्वालिटी का होता है। सो मैं प्रीफर करती हूँ कि मैं इस ब्रांड के ब्लाउजेस परचेज करूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो बैक साइड पे, यहाँ पर ब्रांड नेम मेंशन भी, टैग भी किया हुआ है। एंड फिनिशिंग बहुत अच्छी है इस ब्लाउज की। ऑल्सो बैक साइड पे ये यहाँ पर ये डोरी दी हुई है बैक साइड पे, तो आप अपने हिसाब से इसका जो नेक है वो एडजस्ट कर सकते हैं। एंड इसकी जो स्लीव है ये आपको मिलती है एल्बो से ऊपर आती है ये स्लीव, इसकी जो लेंथ है ये एल्बो से जस्ट ऊपर आती है, बहुत छोटी बहुत बड़ी नहीं है, तो ठीक है चलती है, इट्स नॉट दैट बैड। और ऑल्सो इस ब्लाउज में आपको मिलता है ये 4 डार्ट मिलते हैं, 4 डार्ट्स का जो है ये पैटर्न पे डिज़ाइन किया गया है ये वाला ब्लाउज, विच इज़ ऑल्सो गुड, काफ़ी कंफर्टेबल होता है। अगर आप नहीं पहनना चाहते हो, अपनी मम्मा के लिए लेना चाहते हो ना, तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाला है ये वाला ब्लाउज। ऑल्सो इसमें दी हुई है फ्रंट ओपनिंग, इसमें बैक नहीं है, इसमें फ्रंट ओपनिंग है। जनरली ब्लाउज जो ऑनलाइन हम परचेज करते हैं ना, उसमें बैक ओपनिंग होती है, बट इसमें दी हुई है फ्रंट ओपनिंग, तो सभी के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाला है। नॉ इस ब्लाउज की जो प्राइस है वो 899 है, मैंने साइज परचेज किया 36, और 36 साइज से छोटा साइज नहीं अवेलेबल था, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने ये परचेज किया। ना मुझे 36 साइज का जो स्लीव है वो परफेक्ट आता है, थोड़ा बस्ट से मुझे लूज आता है, तो मैं उसे ऑल्टर कर लूँगी। सो ये वाला ब्लाउज मुझे 620-630 के रेंज में आया है, 650 रुपये की रेंज में आया है, विच इज़ गुड अबाउट दिस ब्लाउज। एंड अभी सेल आ जाएगी तो आप उसमें भी और भी रिजनेबल रेट में इसे परचेज कर सकते हैं। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट ब्लाउज है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। दिस वन इज फ्रॉम द ब्रांड अमेजोन पे कोई जोमैटिक करके कोई ब्रांड है, मैंने फर्स्ट टाइम इसका ब्लाउज परचेज किया, बट नो डाउट इसका जो ब्लाउज है वो काफ़ी अच्छा आया है, और ठीक है जिस हिसाब से इसकी जो प्राइसिंग थी उस हिसाब से इसका रेट बिल्कुल सही लगा मुझे, बहुत ज़्यादा नहीं लगा मुझे। एंड आप देख सकते हो इसमें जो पाइपिंग वाइपिंग लगाई हुई है कितनी फिनिश है। ऑल्सो सेम है, इसमें भी आपको एल्बो लेंथ आता है ब्लाउज का, जो स्लीव है वो एल्बो से जस्ट ऊपर आता है, बिल्कुल लंबा नहीं है, बिल्कुल छोटा नहीं है, तो इस तरीके से आपको एल्बो लेंथ स्लीव मिलती है। इसमें फ्रंट साइड ओपनिंग मिलती है आपको इसमें, ऑल्सो ये प्रिंसेस कट डिज़ाइन में आता है, यहाँ से आप देख सकते हो कि फ्रंट ओपनिंग के साथ इसमें आपको प्रिंसेस कट डिज़ाइन मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा शेप देता है पहनने के बाद में, बहुत अच्छा दिखता है, उसका जो लुक आता है वो बहुत अच्छा आता है। एंड फ्रंट ओपनिंग में आप देख सकते हो यहाँ पर ये हुक्स दिए हुए हैं इस तरीके से, ये इतने 5 हुक्स दिए हुए हैं सामने, सामने का जो गला है वो बहुत बड़ा नहीं है, एक मीडियम जो राउंड नेक होता है वो है। एंड बैक साइड से इसका जो नेक है वो थोड़ा सा डीप है, तो आप अपने हिसाब से इसको पहन सकते हो। ऑल्सो इसमें डोरी दी हुई है तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, खिसकता नहीं है नेक। एंड इसका भी साइज़ मैंने परचेज किया था 36, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे 34 लेना था, बट मैंने सिर्फ स्लीव के चक्कर में, क्योंकि मुझे 34 साइज़ की स्लीव नहीं आएगी, 36 की आती है, और मेरी आर्म्स थोड़ी सी हैवी हैं, तो मैंने ऐसा 36 साइज़ लिया, तो मुझे इसमें थोड़ा सा ऑल्टर कराना पड़ेगा। आप उस हिसाब से अपना साइज़ परचेज कर सकते हो। ऑल्सो मैं जो आपको ब्लाउजेस दिखा रही हूँ ना, इसमें आपको बहुत सारे कलर्स एंड वेरिएशन भी मिल जाएंगे, सो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी ब्लाउज कोई भी कलर परचेज कर सकते हैं। इसके बाद जो 3rd ब्लाउज मैंने परचेज किया है वो है ये वाला, ये मैंने परचेज किया, ये मुझे रिसेंटली ब्रांड मिली
अमेजोन पे, विच इज़ वेरी गुड वन, आप देख सकते हो बहुत ही सस्ता ब्लाउज है ये, मुझे 330 रुपीज़ का आया है ये वाला ब्लाउज। एंड इस रेंज में ब्लाउज मिलना इम्पॉसिबल है, इनफैक्ट इस रेंज में तो कपड़े भी नहीं मिलते हैं, ब्लाउज के ब्लाउज कहाँ से मिलेगा। तो ये 330 रुपीज़ का एक ब्लाउज है, इसमें आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। मैंने परचेज़ किया है एक ये फ्यूशा पिंक, बहुत ही प्यारा सा ब्राइट कलर है ना पिंक का, ये मैंने परचेज़ किया है, और एक ब्लू लिया है। तो आप देख सकते हो ये वी नेक है, फ्रंट एंड बैक साइड दोनों से ये वी नेक है। यहाँ पर ये छोटे छोटे से डिज़ाइन दिए हुए हैं ट्राइंगल्स के, कपड़े के जो डिज़ाइन दिए हुए यहाँ पर नेक पे दिया हुआ है, तो थोड़ा सा स्टाइलिश हो जाता है। स्लीवलेस ब्लाउज है, बट इसके साथ में मुझे स्लीव मिली है अंदर, दिखाती हूँ मैं आपको, ये इस तरीके की शॉर्ट स्लीव मिली। तो अगर आप स्लीव लगाना चाहो तो इस तरीके की शॉर्ट स्लीव यहाँ पर लगा सकते हो, फिर कैप स्लीव बनवा के लगा सकते हो। ऑल्सो ये वाला ब्लाउज है पैडेड, तो पैडेड आया है ये ब्लाउज, एंड बैक से इसका नेक बहुत डीप है और फ्रंट में से भी इसका नेक डीप है। सो इस ब्लाउज का एक ही ड्रॉबैक मुझे दिख रहा है, वो है इसका साइज। आप देख सकते हो कि ये देखने में कितना बड़ा दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। सो क्योंकि ये जो ब्लाउजेस हैं ना इस ब्रांड के, वो फ्री साइज आते हैं, मुझे इसमें कोई साइज देखने को नहीं मिला कि मैं सेलेक्ट कर पाऊँ अपने हिसाब से, तो ये फ्री साइज आया है वहाँ से। और डेफिनेटली आपको इसे अपने साइज़ के हिसाब से ऑल्टर कराना ही पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। बट अगर आपको ये ब्लाउज छोटा आता है तो स्टिल इसके अंदर का इनफ कपड़ा दिया है कि आप इसे लूज भी कर सकते हो, ऐसे कोई इशू नहीं है। ऑल्सो इसमें आपको दी हुई है फ्रंट ओपनिंग, इस तरीके से ये फ्रंट ओपनिंग दी हुई है यहाँ पर, और हुक्स वगैरह दिए हुए हैं, तो अपने हिसाब से इसको कर सकते हो। तो मैं इसे ऑल्टर कराऊंगी, मुझे कराना ही पड़ेगा ऑल्टर इसे, ना ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। और इसी के साथ मैंने इसी का एक दूसरा कलर भी परचेज़ किया है, ये देख सकते हो आप, ये नेवी ब्लू कलर मैंने परचेज़ किया है ना, आप देख सकते हो कि कपड़ा है इसका काफ़ी अच्छा, 300 रुपये के हिसाब से कपड़ा काफ़ी अच्छा मुझे मिला है, बिल्कुल वो चीप टाइप का कपड़ा नहीं है, रॉ सिल्क मटीरियल है अच्छा वाला, आप देख सकते हो। और जो इसका अस्तर है ना, वो भी बड़ा अच्छा और फाइन अस्तर है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना रीजनेबल प्रोडक्ट भी है अमेज़ॉन पर, स्पेशली ब्लाउजेज जो कि नए होते हैं। एंड ये भी पैडेड है, आप देख सकते हो इसमें भी प्रिंसेस डार्ट दिया हुआ है, प्रिंसेस कट दिया हुआ है यहाँ पर, और अगेन ये भी फ्री साइज है, सो इसे भी आपको ऑल्टर कराना पड़ेगा, और इसमें भी आपको स्लीव मिलती है, विच इज़ वेरी गुड अबाउट दिस। तो इसमें बहुत सारे कलर वेरिएशन अवेलेबल थे, अपने हिसाब से आपको जो रिक्वायरमेंट लगती है आप कलर ले सकते हो। बट डेफिनेटली अगर आप एक रीजनेबल ब्लाउज परचेज करना चाहते हो ना अपने लिए, जो कि थोड़ा स्टाइलिश भी हो, तो ये वाला आप परचेज कर सकते हो, दिस इज़ अ वेरी गुड वन एंड अ वेरी अफोर्डेबल वन। ऑल्सो इन सारे ब्लाउजेस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, तो वहां से जाकर के आप अपने लिए परचेज कर सकते हैं। सो गाइज, कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? आई एम श्योर ये आपको हेल्प जरूर करने वाला है इस फेस्टिव सीजन, इस वेडिंग सीजन में। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, एंड कॉमेंट बॉक्स में मुझे बताना मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड ऑल्सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है abhajaswal29। तो जितने भी मेरे लुक बुक आने वाले हैं ना फेस्टिवल एंड वेडिंग सीरीज से रिलेटेड, वो आपको वहां पे सबसे पहले देखने को मिलेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, और मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।